जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जापान मंगल ग्रह से होते हुए चांद तक ट्रेन चला रहा है। ये कैसे होगा और इसके पीछे की क्या तकनीक है, आइए बात करते हैं। दोस्तों, जापान अंतरिक्ष में एक महाप्रयोग करने जा रहा है। जापानी वैज्ञानिकों की पृथ्वी से मंगल तक एक स्पेस ट्रेन चलाने की योजना है। ये ट्रेन चांद तक भी जाएगी। जापान चांद और मंगल पर पृथ्वी जैसी रहने लायक पर्यावरण भी बना रहा है। इसके साथ ही साथ ये पूरा कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण में रहने की सुविधा बनाएगा। क्योटो यूनिवर्सिटी और काजिमा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मिलकर एक अंतरिक्ष में रहने योग्य संरचना बनाने का लक्ष्य रखा है। जापानी वैज्ञानिकों द्वारा चांद पर 1300 फीट की संरचना बनाई जाएगी। ये सामान्य गुरुत्वाकर्षण पैदा करने के लिए हर 20 सेकंड में घूमती रहेगी। इस कोनिकल संरचना का नाम है ग्लास। ग्लास के अंदर बनावटी ग्रेविटेशन होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, पेड़ पौधे होंगे और रहने लायक पूरा वातावरण होगा। यहाँ कोई भी मनुष्य एकदम शांति से रह सकता है, अपने लाइफ को एंजॉय कर सकता है और साथ ही साथ बच्चे भी पैदा कर सकता है और वो जब चाहे तब पृथ्वी पर आराम से आ सकता है। पृथ्वी पर मौजूद सभी सुविधाओं को वहाँ पर रखा जाएगा। इस संरचना को चांद पर लूना ग्लास और मंगल पर मार्स ग्लास कहा जाएगा। अब बात करते हैं हेक्सागोन स्पेस ट्रैक सिस्टम क्या है। दोस्तों, ये ट्रैक सिस्टम एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये एक ग्रह को दूसरे ग्रह से जोड़ेगा और पृथ्वी, चंद्रमा और मंगल के बीच की यात्रा को ग्रेविटी के साथ पूरा करवाएगा। मतलब इसके वातावरण में ग्रेविटी भी रहेगी, इससे आदमी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बिना ग्रेविटी के दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम आती हैं, उसको ये दूर करेगा। चांद पर मौजूद स्पेस गेटवे उपग्रह का उपयोग करेगा और इसे चंद्र स्टेशन के रूप में जाना जाएगा। वहीं मंगल पर इसे मंगल स्टेशन कहा जाएगा। यह मंगल ग्रह के उपग्रह फोबोस पर स्थित होगा। दोस्तों, मंगल ग्रह के दो उपग्रह फोबोस और डीमोस। मानव अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र के मुताबिक पृथ्वी स्टेशन को टेरा स्टेशन कहा जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इस लक्ष्य को पूरा करने में लगभग 100 साल लग जाएंगे, लेकिन जापान 2050 तक इसका एक न एक प्रमाण आपको दे देगा। आपको बता दें कि नासा ने इस दशक के अंत में मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाने की योजना भी बना रहा है। साथ ही साथ चंद्रमा पर इंसानी बस्ती बनाने की कोशिश भी की जा रही है। दोस्तों, ये जापान का प्रयास आपको कैसा लग रहा है? क्या एक ग्रह से दूसरे के बीच ट्रेन चल सकती है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।